छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले नक्सलियों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। रविवार को नक्सलियों ने एक ट्रक को आईईडी धमाके से उड़ा दिया, जिसमें केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की विशेष इकाई कोबरा के दो जवान शहीद हो गए। आपको बता दें कि पुलिस जानकारी के अनुसार नक्सलियों ने ट्रक को निशाना बनाकर आईईडी धमाका किया, जिसमें कांस्टेबल शैलेंद्र और वाहन चालक विष्णु आर की जान चली गई। धमाके की सूचना मिलने के बाद अतिरिक्त सुरक्षा बल मौके पर पहुंच गए, वहीं शवों को जंगल से बाहर निकाला जा रहा है। हालांकि इलाके में तलाशी अभियान भी जारी है। जिला सुकमा के थाना जगरगुंडा के केम सिलगेर और टेकलगुड़म के मध्य तीमापुरम के समीप आज दोपहर सुरक्षा कार्य में लगे वाहनों पर नक्सलियों के द्वारा आईडी विस्फोट किया गया है, जिससे उक्त वाहन में मौजूद 201 कोबरा के वाहन चालक विष्णु तथा आरक्षक शैलेंद्र शहीद हुए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही तत्काल वहां पर सीआरपीएफ व कोबरा व पुलिस की टीम पहुंच चुकी है। सभी दोनों ही शहीद जवानों के शव सुरक्षित वहां से निकाले गए हैं तथा मौके पर सर्चिंग जारी है।